हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू वीडियो। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि रियर ब्रेक शूज कैसे चेंज करते हैं। मेरे पास स्प्लेंडर है हीरो की और प्रोसेस फ्रेंड्स सारी हीरो की बाइक्स का सेम रहता है। आपके पास चाहे पैशन हो, HF डीलक्स हो, स्प्लेंडर हो, सबका प्रोसेस सेम रहता है। तो अपनी वीडियो को फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये वाला नट खोलना है, एक्सेल का नट। ये 19mm का होता है। आपको रिंग स्पैनर से ये वाला नट खोलना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको ये वाला नट खोलना है। ये 13mm का रहता है। दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं, ये ASK के ब्रेक शूज़ हैं। जो पहले बाइक में लग के आते थे कंपनी से, वो भी ASK के लग के आते थे, अब पता नहीं किसके लग के आते हैं। तो फ्रेंड्स ये अच्छी क्वालिटी के हैं, ये सस्ते भी आते हैं, 100-150 रुपये के मिल जाएंगे आपको मार्केट में। तो जल्दी से फ्रेंड्स मैं इनको फंसाता हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह ब्रेक शूज़ लगेंगे और स्प्रिंग फ्रेंड्स ऊपर और ये एक तरफ नीचे से लगेगी। तो आपको ऐसे स्प्रिंग फंसानी है कि आपको एक तरफ ऊपर से एक तरफ नीचे से ये तिरछी होके फंसेगी, जैसे कि आपको दिख रहा है वीडियो में। तो फ्रेंड्स
सिंस हमारा व्हील फिट हो चुका है, अब आपको ब्रेक एडजस्ट करने हैं। आप ब्रेक व्हील को रोटेट करके एडजस्ट कर लें कि व्हील टाइट ना चले और ब्रेक्स भी अच्छे से काम करें। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, आपको इसी तरह ब्रेक शूज चेंज करने हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब।